गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा की क्लास। कोरल ड्रा की क्लास में कल हमने पढ़ा हुआ था इमेज कंपोनेंट, मल्टीमीडिया का हम टेक्स्ट कंपोनेंट स्टूडेंट पढ़ चुके, साउंड कंपोनेंट पढ़ चुके और हमने पढ़ा था इमेज कंपोनेंट। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट वीडियो कंपोनेंट। ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में वीडियो कंपोनेंट है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। डीसीए हम कोरल ड्रा का सिलेबस पढ़ रहे हैं इस समय। मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, जिसमें से हमने ये कल पढ़ा था ग्राफिक्स इंटरफेसेस, वेक्टर क्या होता है, रास्टर क्या होता है, ये मैंने बताया था, वेरियस मेथड बताया था, इमेज को स्कैन करना डिजिटल कैमरा से, एट्रीब्यूट विभिन्न प्रकार के साइज, कलर, डेप्थ, रेजोल्यूशन, इमेज फाइल फॉर्मेट होते हैं बीएमपी, डीएमपी, ये बताया होगा। आज हम बात करने वाले स्टूडेंट वीडियो एंड एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, इम्पैक्ट ऑफ वीडियो इन मल्टीमीडिया, बेसिक ऑफ वीडियो एनालॉग डिजिटल वीडियो, यू हाउ टू यूज दिस पीसी, पीसी में कैसे इसको यूज करते हैं, नोट ऑफ वेरियस वीडियो स्टैंडर्ड पीएल एंड डीएससी क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट इनका यूज और एमपीजी, ये सब कुछ हम आज आप सीखने वाले हैं। इसके बाद एक पार्ट जो इसका बचेगा वीडियो का नेम और एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसका एक पार्ट एनिमेशन से रिलेटेड भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो एक पार्ट में हम क्या पढ़ लेंगे एनिमेशन। आज जो हम बात करेंगे स्टूडेंट वीडियो पे बात करेंगे, फिर आपका थर्ड यूनिट से यहाँ से कोरल ड्रा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कुछ पार्ट में कोरल ड्रा के आपको वीडियो शेयर भी करता हूँ, उनको भी आप देखा करें स्टूडेंट, वो वीडियो में शेयर करता हूँ, आप कोरल ड्रा चलाएं यदि आपके पास हो, और बहुत सारे डिजाइनिंग में आपको शेयर करता हूँ। ओके, तो आइए वीडियो, वीडियो क्या होता है देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ स्टूडेंट। वीडियो इज ए एक्सीलेंट टूल फॉर डिलीवरिंग मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में तो एक एक्सीलेंट टूल है। आज की डेट में जितने प्रेजेंटेशन भी जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ इसको भी वीडियो में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं जहां हमको मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है वहां पे वीडियो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का, जहां मोस्टली वीडियो को यूज किया जाता है। वीडियो प्लेसेस द हाईएस्ट परफॉर्मेंस डिमांड ऑन कंप्यूटर, वीडियो जो परफॉर्मेंस है उसकी जो हाई डिमांड है किसमें, कंप्यूटर में, एंड इट मेमोरी एंड स्टोरेज। वीडियो को यदि आपको कंप्यूटर में चलाना है तो सबसे पहले ही मैंने समझाया था कि उसके लिए हमको हाई क्वालिटी की मेमोरी और आपको स्टोरेज की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे डेटा फाइल चाहे जितनी सेव कर दें, आप 1000 डेटा फाइल सेव कर दें लेकिन एक वीडियो भी आपने बना दिया तो 1000 डेटा फाइल के बराबर स्पेस ले लेता है। तो वीडियो पे वर्क करने के लिए हमको हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए, यानी कि मल्टीमीडिया सिस्टम चाहिए, और उस पर मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए। डिजिटल वीडियो हैज रिप्लेस एनालॉग वीडियो एज द मेथड ऑफ चॉइस ऑफ मेकिंग एंड डिलीवरिंग वीडियो फॉर मल्टीमीडिया। आप डिजिटल वीडियो को एनालॉग वीडियो को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के आधार पर, आपको कैसे मल्टीमीडिया में किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है, किस प्रकार की वीडियो को डिलीवर्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, चेंज कर सकते हैं। टाइप ऑफ वीडियो की बात की जाए तो यहाँ स्टूडेंट दो तरीके के वीडियो होते हैं, एक तो आपका होता है टू टाइप वीडियो है, एनालॉग वीडियो होता है, दूसरा आपका स्टूडेंट डिजिटल वीडियो। फर्स्ट एनालॉग वीडियो क्या होता है, जिसमें एनालॉग सिग्नल पाए जाए, वीडियो इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड यूजिंग टेलीविजन, यानी कि जो वीडियो आपका टेलीविजन में स्टोर होता है, टीवी में सिग्नल, फिल्म,
वीडियो टेप और अदर नॉन कंप्यूटर मीडिया। कंप्यूटर मीडिया के अलावा जो भी वीडियो पाए जाते हैं वो सारे वीडियो वीडियो आपका कितने होंगे, एनालॉग वीडियो में होते हैं। यानी कि जो टेलीविजन पे आप वीडियो देखते हैं वो आपका एनालॉग वीडियो होता है। ईच फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड बाई ए फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। जितने भी फ्रेम हैं उसके जो वोल्टेज होता है उसके फ्लक्चुएशन पे ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल। नाउ एज ए एनालॉग सिग्नल, इसमें जो सिग्नल यूज किए जाते हैं एनालॉग सिग्नल यूज किए जाते हैं। वेव फॉर्म और द कंपोजिट वीडियो, कंपोजिट वीडियो किसको कहते हैं, देखिए कंपोजिट एनालॉग वीडियो। कंपोजिट एनालॉग वीडियो हैज ऑल द वीडियो कंपोनेंट, ब्राइटनेस, कलर एंड सिंक्रोनाइजेशन, देन कंबाइंड इनटू वन सिग्नल फॉर डिलीवर्ड, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल टेलीविजन सिग्नल डिजिटल एनालॉग। यानी कि दोनों का इंटरफेस मिले, यानी कि कहीं ना कहीं एनालॉग और डिजिटल के दोनों की जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो आपका क्या कहलाता है, कंपोजिट। आप बीच में ऐसी आवश्यकताएं थी और बीच में ऐसे कई डिवाइसेस बनी थी जो कंपोजिट सिग्नल को सपोर्ट करती थी, आपने देखा होगा। मैं आपको बहुत एक रियल एग्जांपल समझाना चाहूंगा इसके लिए। टेलीविजन जो होता है वो आपके एनालॉग वीडियो पे होता है, टेलीविजन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले जो पुरानी टीवी आती थी उसको आप एज ए मॉनिटर यूज नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर में मॉनिटर के लिए यूज नहीं किया जा सकता। बीच में ऐसी जनरेशन आई, ऐसे डिवाइसेस बनाई गई जिसका यूज टेलीविजन के लिए भी किया गया और कंप्यूटर के लिए भी किया गया, वो कंपोजिट हो जाएगा। यानी कि उसमें हम एनालॉग भी यूज कर सकते हैं और डिजिटल भी। आज जो टेलीविजन आती है उस पर आप कंप्यूटर भी चला सकते हैं, टेलीविजन भी चला सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं, यानी कि वो कंपोजिट होगा। उसमें डिजिटल सिग्नल भी पाया जाता है और एनालॉग सिग्नल भी पाया जाता है स्टूडेंट, वो कहलाता है कंपोजिट। अब वीडियो डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले होते हैं वो कैसे डिस्प्ले होते हैं, इसके लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, प्रोग्रेसिव स्कैन और इंटरलेस्ड स्कैन। ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज ए प्रोग्रेसिव स्कैन, व्हाट इज ए इंटरलेस्ड स्कैन। क्या होते हैं प्रोग्रेसिव और इंटरलेस्ड स्कैन, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए प्रोग्रेसिव स्कैन यूज्ड इन कंप्यूटर मॉनिटर, इसका यूज कंप्यूटर मॉनिटर में किया जाता है एंड डिजिटल टेलीविजन तथा डिजिटल टेलीविजन में किया जाता है। आप हम कह सकते हैं कि जितनी भी टेलीविजन आती है सभी क्या होती है, आपकी डिजिटल होती है। डिस्प्ले ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो तो डिस्प्ले करता है आपके पिक्चर एट वन टाइम एज ए सिग्नल फ्रेम। और इंटरलेस्ड जो स्कैन होता है यूज इन स्टैंडर्ड टेलीविजन फॉर्मेट, डिस्प्ले ओनली हाफ, इसमें हाफ बनाएगा, इसमें वन टाइम में पूरी पिक्चर देखिए आपको कंप्लीट कर देता था प्रोग्रेसिव स्कैन में। और इंटरलेस्ड में क्या होता है, डिस्प्ले ओनली हाफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ओनली हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाएगा। ओके मतलब एक बार में एक लाइन एट ए टाइम, एक समय में फर्स्ट फील्ड कंटेन एंड सेकेंड ऑड नंबर लाइन इज डिस्प्ले फॉलोड बाय द सेकेंड फील्ड कंटेन द इवन नंबर। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए पहले ऑड ऑड बना दिया इसने, फिर वो इवन बनाएगा ऐसे बीच बीच में। तो इस तरीके से जो स्कैन होती है, यानी कि सीधा सा है प्रोग्रेसिव स्कैन, यदि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है पिक्चर एट वन टाइम एज ए सिग्नल फ्रेम, यदि वन टाइम में पूरी पिक्चर दिखती है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रोग्रेसिव स्कैन। और यदि हाफ हाफ में बनती है पिक्चर, एक बार में आधी फिर एक बार में आधी, यानी कि ऑड और इवन में यूज करके इमेज को बनाया जा रहा है, तो वो आपको कहलाएगा इंटरलेस्ड स्कैन। और मॉनिटर और टेलीविजन जो डिजिटल डिवाइस यूज किया जाता है यानी कि कंप्यूटर में, वो प्रोग्रेसिव स्कैन होता है, एक बार में पूरी इमेज बन जाती है, जिससे उसमें क्वालिटी भी अच्छी आपको मिलती है। लेकिन ऑड और इवन का जो यूज किया जाता है स्टूडेंट, वो इंटरलेस्ड होता है। इंटरलेस्ड में ऑड और इवन का यूज करते हैं, वो एक एक करके लाइन बनाता है, एक बार ऑड नंबर लाइन बना देगा, एक बार इवन।
वीडियो सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग, वीडियो स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, वीडियो पे जो सिग्नल चलते हैं जिसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, वो कौन से यूज किए जाते हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला, NTSC नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी, ये आपका एक स्टैंडर्ड चलता है, स्टैंडर्ड फॉर द कोडिंग इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू मेक द टेलीविजन पिक्चर, यूएसए जापान, यूएसए और जापान में जो टेलीविजन है उसपे जो क्वालिटी यूज की जाती है NTSC की भी जाती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रेम ऑफ वीडियो, इस वीडियो का जो फ्रेम होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो वीडियो बनते हैं ऐसे फ्रेम बनते हैं स्टूडेंट, एक सॉफ्टवेयर है आप देखना किसी भी सॉफ्टवेयर में यदि कट करते हो तो उस वीडियो को ऐसे अलग अलग फ्रेम में डिवाइड कर दिया जाता है, यदि कभी आप ध्यान दिए हो 1 2 3 4 5 6 जितने भी फ्रेम हो, और फिर इनको एक एक करके क्या कर दिया जाता है रन, ये ऐसे फ्रेम में बन जाता है और एक फ्रेम के रूप में वीडियो हमारा चलता रहता है। इसकी जो क्वालिटी आपको ध्यान रखना है NTSC, ये ध्यान रखना है कहाँ यूज किया जाता है, यूएसए और जापान में, और फ्रेम रेट इसका क्या है 525, वर्टिकल स्कैन लाइन ये कितना बनाता है 30 फ्रेम पर सेकेंड चलता है, टू पासिस ड्राइंग यानी कि इंटरलेसिंग वीडियो, इसमें जो वीडियो क्वालिटी होगी वो क्या होगी इंटरलेसेड होगी, क्योंकि टू पासिस है, एक बार ऑनलाइन बनाएगा और एक बार ईमेल लाइन बनाएगा, ऑनलाइन नंबर लाइन फॉलो बाय द ईमेल लाइन 60 ओरिजेंटल। ओके, तो ये इस तरीके से जो आपका वीडियो डिस्प्ले होता है वो क्वालिटी किसकी कहलाएगी NTSC की। अगला आप टीवी चैनल पे देखें स्टूडेंट, कभी भी टीवी चालू करते हैं उनपे ये स्टैंडर्ड दिखाई देंगे आपको, आपको टेलीविजन की जो क्वालिटी है पिक्चर की NTSC में देखना है, CL या आजकल ऑटो आता है HDTV चलता है मोस्टली अपने यहाँ, तो HDTV सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हाई डेफिनेशन रेजुलेशन वो भी मैं बताने वाला हूँ, और या फिर आप ऑटो कर देते हैं तो भी हाई डेफिनेशन रेजुलेशन ले लेता है, PAL भी चलता है, आप टेलीविजन पे ध्यान दें, फेस अल्टरनेट लाइन, यूरोप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में इसका यूज किया जाता है, इसकी जो स्कैन लाइन है उसी प्रकार 625 है, इसमें 525 थी स्टूडेंट स्कैन लाइन, और यहाँ पे फ्रेम रेट जो था वर्टिकल का 30 था, यहाँ 25 फ्रेम पर सेकंड है, ऑड इवन टेक्नोलॉजी ये भी यूज करता है यानी कि इंटरलेसिंग है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसमें भी है। ओके, एक होता है स्कैन सिक्वेंशियल करलैन मेमोरी, फ्रांस और रूस में यूज किया जाता है, रूस या आल्सो सेम होता है ये, PAL 625 लाइन 25 आप देख सकते हैं फ्रेम पर सेकंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो ये स्टैंडर्ड है वीडियो स्टैंडर्ड है कि हम कौन से वीडियो स्टैंडर्ड का यूज करके टेलीविजन में अपने वीडियो को देखते हैं। और जो आज चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी मैं बात कर रहा था, हाई डेफिनेशन HDTV, PL हमारे यहाँ भी चलता है स्टूडेंट इंडिया में भी, और HDTV भी अपने यहाँ चलता है, हाई डेफिनेशन टेलीविजन HDTV, एडवांस टेलीविजन सिस्टम कमेटी ATS, ये इसका वेबसाइट है, सिक्स वीडियो फॉर्मेट इसमें, रेजुलेशन एंड फ्रेम रेट कॉम्बिनेशन किया गया है, 69 का रेशियो रखा गया है, विड्थ होता है इसकी, विड्थ भी ये विड्थ है और ये इसकी क्या निर्धारित करता है हाइट, इस रेशियो पे जैसे इतने विड्थ, ये पिक्सल और रेजुलेशन पे 1080 और 1920 पिक्सल, यानी कि पिक्सल का मतलब मैंने आपको बताया था छोटे छोटे डॉट ऐसे, हाइट और विड्थ में निर्धारित करता है, जब स्क्रीन छोटी होगी और नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे, मैंने बताया था नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होने का मतलब कि रेजुलेशन ज्यादा होना, और रेजुलेशन यदि ज्यादा होगा तो स्टूडेंट पिक्चर की क्वालिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, ऐसा हमने देखा था पढ़ा भी था जब इमेज मैंने बताया था, इसका रेजुलेशन बहुत हाई होता है, और ये भी डिपेंड करता है डिवाइस पे कंपनी पे, किस कंपनी की आप टीवी ले रहे हैं उसके पीछे उसका रेजुलेशन दिया होता है, आप देख सकते हैं जितना ज्यादा सपोर्टेड होगा रेजुलेशन उतनी अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी, 700
20 से लेकर 1220 पिक्सल में भी आती है। फ्रेम रेट भी इसके डिफरेंट मिलेंगे, 24 से लेकर 24 फ्रेम रेट पे लेना है, 30 पे लेना है, 60 पे लेना। जितना अधिक फ्रेम रेट होगा, जितना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होगा, यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे, उतनी अच्छी आपको क्वालिटी मिलने वाली है स्टूडेंट। ओके, MPEG 2 कोडेड फॉर द वीडियो डिजिटल ऑडियो कंप्रेशन AC3 फॉर ऑडियो। तो ये हमने स्टैंडर्ड बताया। अब डिजिटलाइजेशन वीडियो क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा। डिजिटलाइजेशन प्रोसेस का मतलब है कि कोई एनालॉग में वीडियो है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। आज की डेट में तो बहुत आसान हो गया है, बहुत से कार्ड आते हैं, डायरेक्ट आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टीवी ट्यूनर कार्ड होता है, इंटरनल आप एनालॉग टीवी चला सकते हैं लगा करके, और उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग करेंगे वो एनालॉग वीडियो को किस में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट, डिजिटल में, क्योंकि रिकॉर्ड करके वो किस में रखेगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जो सिग्नल है वो डिजिटल है, मैंने बताया था आपको, और टेलीविजन पे जो है वो एनालॉग है। लेकिन इसके पहले जो मेजर प्रॉब्लम होती थी, वो एक मेजर प्रॉब्लम थी, डिजिटल वीडियो को ऑप्टन यूज द कैप्चर वाई कंटेंट। पहले जो कैप्चर किया जाता था डिजिटल डिवाइसेस नहीं थी। आज तो डिजिटल कैमरा हो गए, डिजिटल मोबाइल है, डायरेक्ट इमेज भी कैप्चर हो जाती है, वीडियो भी कैप्चर हो जाता है। पहले जो कैप्चरिंग मेथड था, जो वीडियो आता था, वो आपका एनालॉग में आता था। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने कभी यदि देखा हो तो यदि जब शादी में कैसेट बनती थी तो एनालॉग वीडियो बनता था, एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी, यानी कि VCR कैसेट का यूज किया जाता था, और उस कैसेट में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती थी। हैंडीकैप भी आ गया था, यानी छोटा कर दिया गया था कैसेट को। ये जो VCR की कैसेट होती थी स्टूडेंट, ये आपकी किसमें होती थी, एनालॉग में। अब चूंकि ये रिकॉर्डिंग हमारी एनालॉग है, लेकिन इसकी एडिटिंग करना होता था हमको स्टूडेंट। एडिटिंग मतलब उसमें मिक्सिंग कराना होता था। जो मिक्सिंग होती थी वो आपकी किसमें होती थी, डिजिटल में। मिक्सिंग तो आपकी कंप्यूटर में होगी, रिकॉर्डिंग हमारी एनालॉग कैसेट पे है, और जो मिक्सिंग हम करेंगे, जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे मिक्स करने के लिए, उसके लिए कंप्यूटर। तो कहीं ना कहीं इस एनालॉग को हमको कंप्यूटर, हमारा डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती थी। तो ये प्रोसेस कैसे की जाती थी, इसके लिए क्या यूज करते थे, और यही प्रोसेस कहलाती थी डिजिटलाइजेशन वीडियो, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। इसके लिए एक्चुअल में क्या करते थे, ये कैसेट तो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में लग नहीं सकती थी, क्योंकि कंप्यूटर क्या सपोर्ट करता है स्टूडेंट, CD DVD इनको आप लगा सकते हैं, लेकिन आप VCR के कैसेट थोड़ी कंप्यूटर में लगा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था स्टूडेंट, एक VCR रखना पड़ता था, और उसमें इस कैसेट को लगाते थे, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करते थे, और रिकॉर्डिंग होती जाती थी किसमें, कंप्यूटर में। रिकॉर्डिंग किसमें हम कर लेते थे स्टूडेंट, कंप्यूटर में। तो जैसे कंप्यूटर में ये रिकॉर्डिंग होती थी, तो ये ऑटोमेटिक एनालॉग से किसमें कन्वर्ट हो जाता था, डिजिटल में। जब हमारे पास कंप्यूटर में उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती थी, तो हम उसकी CD बना लेते थे, फिर वो VCR से क्या बन जाएगा, CD में आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास CD में आ गया, वो डेटा फिर हम एडिट कर लेते थे, कंप्यूटर में आया, कंप्यूटर में मिक्सिंग भी कर लेते थे, इसके बाद मिक्सिंग करके भी उस CD को हम ले लेते थे। यानी कि इस प्रोसेस में जब आप उस समय कैसेट बनवाते थे, तो एक तो आपकी VCR कैसेट बनती थी, दूसरे फिर जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करके वो रखता था, तो या तो हार्ड डिस्क में रखता था या CD में रखता था, तो वो आपके पास होती थी। फिर तीसरा, आप जो मिक्सिंग करवाते थे, उसके बाद फाइनल CD बनवाते थे या DVD बनवाते थे, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डिजिटलाइजेशन वीडियो। डिजिटलाइजेशन वीडियो इज ऑप्टन यूज टू द कैप्चर द कंटेंट फ्रॉम द मूवी एंड टेलीविजन। मूवी और जो टेलीविजन के हैं, यूज इन द मल्टीमीडिया ए वीडियो सोर्सेस, इनके माध्यम से किया जाता था। वीडियो कैमरा, लेकिन कौन सा वाला, एनालॉग वाला, VCR। टेलीविजन, टेलीविजन आज भी टेलीविजन के किसी को हमको रिकॉर्ड को कैप्चर करना है, तो हमको कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइस चाहिए, कैसे कैप्चर करेंगे आप। ओके, वीडियो डिस्क इन कनेक्टेड टू द वीडियो कैप्चर कार्ड, और इनको किससे कनेक्ट किया जाता था, वीडियो कैप्चर कार्ड। जैसा मैंने साउंड कार्ड बताया है, वैसे ही स्टूडेंट क्या लगा होता है, वीडियो कैप्चर कार्ड, वीडियो कार्ड कंप्यूटर पे, जिसका रोल ही होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना और डिजिटल टू एनालॉग। एज द वीडियो सोर्सेस इज प्लेड, द एनालॉग सिग्नल इज सेंड टू द वीडियो कार्ड। एनालॉग सिग्नल किसको सेंड कर रहा है, वीडियो कार्ड को।
एंड कन्वर्टेड, और वीडियो कार्ड उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ डिजिटल फाइल, और वीडियो कार्ड उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल फाइल में, इंक्लूडिंग साउंड फ्रॉम द वीडियो, साथ में साउंड भी, वीसीआर वीडियो ओवरले बोर्ड वीडियो कैप्चर कार्ड पीसी, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते थे स्टूडेंट। एनालॉग, यही प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है, एनालॉग सिग्नल फ्रॉम वीसीआर कन्वर्टेड द डिजिटल, जो अभी मैंने समझाया, जो एनालॉग सिग्नल वीसीआर में होते थे उनको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते थे वीडियो कैप्चर कार्ड के माध्यम से। यानी कि मेन रोल यहाँ पे कौन करता है, कन्वर्टिंग का, वीडियो कैप्चर कार्ड। वीडियो कैप्चर कार्ड जो होता है वो आसानी के साथ इसको एनालॉग से डिजिटल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर। द कन्वर्टेड सिग्नल इज इंटर्ड इन साइड द कंप्यूटर, जो कन्वर्टेड सिग्नल होते थे वो आपको कंप्यूटर में मिल जाते थे। प्रोसीड द वीडियो इज एडिटिंग यूजिंग द वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और फिर आसानी के साथ हम उसको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से वीडियो को एडिट कर देते थे। लेकिन ये तब बात होती थी जब एनालॉग सिग्नल में हमको क्या मिलता था, वीडियो। आज हमारे पास सब कुछ डिजिटल है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आज हम जो भी वीडियो डायरेक्ट कैप्चर कर रहे हैं वो डिजिटल में ही कर रहे हैं, इसलिए उसको हम डायरेक्ट पेन ड्राइव या किसी के भी माध्यम से, अदर रिसोर्सेस के माध्यम से कंप्यूटर में इंसर्ट कर लेते हैं। और जब कंप्यूटर में आ जाता है तो ऑलरेडी क्यों ले लेता है, क्योंकि डिजिटल कैमरा भी है। मोबाइल में आपने रिकॉर्डिंग किया किसमें हुई स्टूडेंट, डिजिटल रिकॉर्डिंग, डायरेक्ट आपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर लिया वो भी डिजिटल है। तो डिजिटल से डिजिटल आसानी से कन्वर्ट ट्रांसफर हो जाता है, फिर आप उसमें आसानी से एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल में भी एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऐप आते हैं, आप डायरेक्ट मोबाइल पे भी एडिट कर सकते हैं, इसलिए आज ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास बनी रहती थी जब हमको डिजिटल डिवाइस में, एनालॉग डिवाइस में कैप्चरिंग करना होता था और उसको फिर डिजिटल डिवाइस में कन्वर्ट करके एडिटिंग करना। तो यही प्रोसेस आपको बताना है स्टूडेंट, जो मैंने आपको समझाया, कन्वर्टिंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही कन्वर्जन ऑफ एनालॉग डिजिटल रिक्वायर्ड टू एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और डिजिटल टू एनालॉग डीएसी, डिजिटल टू, फिर डिजिटल से एनालॉग भी कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है हमको। तो जैसा मैंने साउंड में समझाया था वैसे ही यहाँ पर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो क्लिप स्टोर ऑन द एनी मास्क स्टोरेज डिवाइस, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं उसको, मॉनिटर विदाउट द स्पेशल हार्डवेयर, सेटिंग अप द प्रोड्यूसिंग द एनवायरमेंट, मेकिंग डिजिटल, डिजिटल वीडियो को डायरेक्ट हम अपनी रिकॉर्डिंग फाइल को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में ले जा सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फाइल साइज एंड फॉर्मेट, आप वीडियो के कौन कौन से फाइल साइज होते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। तो फाइल साइज एंड फॉर्मेट, देयर इज ए इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन आपका फ्रेम रेट। वीडियो में सबसे पहले फ्रेम रेट होता है, जैसा कि हमने देखा था, इमेज साइज उसकी और कलर डेप्थ, फ्रेम रेट जो होते हैं। एनिमेशन फ्रेम रेट इज ए एलिवेशन कॉज बाई द रैपिड डिस्प्ले ऑल स्टिल इमेजेस, जो स्टिल इमेजेस होती है। एनिमेशन एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ बता दूँ, हमारे पास स्टिल इमेजेस होंगी। एनिमेशन और वीडियो में क्या अंतर होता है, एनिमेशन पे हमारे पास इमेजेस होती है, कई इमेजेस को रख करके हम उस पे इफेक्ट डाल देते हैं, इतनी तेजी से ये रिपीटेशन होने लगता है, यानी कि लूप जैसे चलने लगता है, तो वो हमको क्या दिखने लगता है, वीडियो, यानी कि आर्टिफिशियल मूवमेंट होता है। एनिमेशन में आर्टिफिशियल मूवमेंट होता है और जबकि वीडियो में रियल मूवमेंट होता है। एनिमेशन में एक के बाद एक वीडियो आएगी, उसकी उंगली नहीं चलेगी, आंख नहीं पलक मारेगी, ऐसा नहीं, सीधे एक फोटो आएगी उसके बाद दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, इतना फास्ट आती है कि वो हमको वीडियो के रूप में दिखता है। लेकिन जबकि वीडियो में क्या होता है, हम रियलिटी में जो वर्क कर रहे होंगे, यानी कि उंगली भी हमारी चल रही होगी, आंख भी जो पलक है वो भी दिख रही होगी, हमें भी कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो वो एक्टिविटीज हमको दिखाई देगी। रियलिटी मूवमेंट होता है, रियल मूवमेंट पाए जाते हैं वीडियो पे, और एनिमेशन पे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मूवमेंट होते हैं, ये डिफरेंस होता है। इमेज टेलीविजन मूवी मैं पहले ही बता चुका, टीवी
30 फ्रेम पर सेकेंड बट एक्सेप्टेबल पेज लेंथ ऑफ द अचीव द 15। तो और साइज की यदि बात करें, जितना ज्यादा आप रेजुलेशन देंगे, जितनी हाई क्वालिटी का फ्रेम रेट यूज करेंगे, उतना ज्यादा उसका साइज होगा। रेजुलेशन कम करेंगे, साइज कम हो जाएगा। फ्रेम रेट कम करेंगे तो भी साइज कम हो जाएगा। आप HDTV में हाई फ्रेम रेट 60 बताया मैंने, और यदि हाई रेजुलेशन आप यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो फाइल की साइज होगी वो भी ज्यादा होगी, और यदि उससे कम रेजुलेशन और फ्रेम रेट यूज कर रहे हैं तो साइज भी आपकी क्या होगी, कम। कलर डेप्थ, द कलर डेप्थ दे लो क्या होता है, 256 कलर पाए जाते हैं आपको जैसा कि मालूम है। कलर डेप्थ उसकी कलर की क्वालिटी वो बताता है स्टूडेंट पर, और जितनी आवश्यकता हो उतने कलर आप बना सकते हैं। 8 बिट आप जैसे जितने भी आप कितने बिट का कलर देना चाहते हैं उतने आप दे सकते हैं। 2 कलर मेन होते हैं, 2 बिट पे 8 की पावर जितने भी होंगे, जितने बिट देंगे उस पे आपको 2 की पावर करते जाना है तो आपके कलर निकल आएंगे जितने बिट आते हैं, क्योंकि 2 मेन कलर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, और उसी से फिर क्या बन जाते हैं कलर। ओके, वीडियो कंप्रेशन टेक्निक भी पाई जाती है, जिस प्रकार से साउंड में कंप्रेशन टेक्निक थी उसी प्रकार से वीडियो भी कंप्रेशन टेक्निक होती है। आप यदि वीडियो कंप्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं तो विदाउट वीडियो की क्वालिटी का लॉस किए हुए आपका साइज जो होता है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम। अब बात करते हैं वीडियो फॉर्मेट। तो वीडियो एडिटिंग कंप्रेशन और वीडियो फॉर्मेट मैं कल बता दूंगा स्टूडेंट, और आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा, और इसको मैं एक बार और बता दूंगा वीडियो कंप्रेशन टेक्निक कैसे यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन टेक्निक का मतलब है जैसे उसकी साइज को कंप्रेस करना, कम करना, यानी क्वालिटी भी बनी रहे और साइज भी कम हो जाए, जैसा मैंने साउंड को बताया था। और इसके फॉर्मेट भी कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको कल बता दूंगा। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।